हमारे यहाँ अगर कोई इनकम दिया जाता है, सूर्य का इंसुलेशन इंसुलेशन को परिभाषित करेंगे उष्मा बजट का नाम सुना है हीट बजट यस सर बताएं सर जो पृथ्वी सूर्य से आने वाले विकिरणों की उष्मा को जो यूज करती है उपयोग करती है और उनको यूटिलाइज करती है और वापस परावर्तित कर देती है उपयोग और यूटिलाइज में अंतर क्या है उस हिसाब से बोलो फिर से बताओ उसको हीट बजट पृथ्वी सूर्य से आने वाले विकिरण सूर्य से जो विकिरण आता है दीर्घ तरंग है या लघु तरंग है सर लघु तरंग क्यों क्या कारण है कि सूर्य लघु तरंग देता है कुछ कारण हुआ अल्बिनो क्या होता है अल्बिनो का तो नाम सुना है सर पता है पदार्थ की सतह से सूर्य का सूर्य विकिरण का व्यवहार जो परावर्तित हो जाता है इस वीडियो का कितना 35 द नेचर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक किसने लिखी हर्षण गोड जनजाति कहाँ पाई जाती है उत्तराखंड पेंडा कृषि का नाम सुना है यस सर पेंडा कृषि यस सर कौन सी जनजाति की द्वारा की जाती है कार्य गणत्व किसे कहते हैं कार्य जनसंख्या का मतलब सर प्रति किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या प्रवास किसे कहते हैं सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है प्रवास के कई कारण हो सकते हैं जाने के आर्थिक धार्मिक राजनीतिक सामाजिक उच्च प्रवास सर किसे कहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना नहीं सिर्फ जाना प्रवास होता है या ऐसे तो हम घर से आए हैं ऑफिस आए हैं ये प्रवास यस मैम कहा जाता प्रवास ये प्रवास है यस मैम ठीक है टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स बताएंगे टीचिंग एड्स कितने प्रकार के होते हैं नहीं पता है ओके आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं ठीक है 40 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट्स जो है वो बहुत आउटस्टैंडिंग हमेशा रिजल्ट्स देते रहते हैं तो आप उनको रेगुलर क्लास में कैसे मैनेज करेंगे वो बहुत अच्छे ब्रेनी हैं तीव्र बुद्धि के हैं तो एक पाठ्यक्रम के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं तो क्लास में सभी बच्चों के साथ में उनको पढ़ाना है तो उनके इस इंटेलिजेंस को आप कैसे मैनेज करेंगे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स हर क्लास के पार्ट होते हैं और हर क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं टीचिंग में और इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर में भी मैं उन्हें टैकल करूंगा कि मैं उन्हें ये देखूंगा कि उनका बेक इधर है एक तो हो सकता है कि वो साइंस में अच्छे हैं अगर ज्योग्राफी में अच्छे हैं तो अगर साइंस में अच्छे हैं तो मैं उनको थोड़ा सा एक सही दिशा देने की कोशिश करूंगा कि इनोवेशन में जाए और इसके अलावा यदि वो ज्योग्राफी में इंटरेस्टेड है तो मैं उन्हें एक वो तो देखूंगा कि हाँ आपका ज्योग्राफी में कौन सा पार्ट बेटर है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं इसके अलावा ये भी देखेंगे कि क्या वो पढ़ाई भी अच्छे हैं या फिर एक्स्ट्रा करिकुलम में भी आगे हैं अगर उनका ध्यान उधर बिल्कुल भी नहीं है तो मैं कहीं ना कहीं उन्हें उनके लिए भी मोटिवेट करूँगा कि आपको खेलों में भी इंटरेस्ट लेना चाहिए जिससे आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके हम आर्थिक जो क्रियाकलाप है उनको भूगोल में क्यों पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था बहुत सारे विषय हैं जिसमें ये पढ़ा जा रहा है हमें भूगोल में ये क्यों पढ़ना जरूरी है या हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है एक्चुअली भूगोल
भूगोल एक सभी जो सब्जेक्ट है उनकी जननी बोला जाता है भूगोल को, और मैं अगर किसी भी बढ़ के आगे किसी भी सब्जेक्ट के आगे भूगोल लगा देते तो वो एक सार्थक शब्द बन जाता है। जैसे कि आपने बोला कि आर्थिक क्रियाएं, तो जैसे कि आर्थिक के आगे अगर भूगोल लगा दे तो आर्थिक भूगोल, और आर्थिक भूगोल में मानव के द्वारा जो भी क्रियाकलाप करवाए जाते हैं उनकी स्टडी की जाती है। ठीक है, अभी आंतरिक संरचना की बात की थी, डाइट में क्या लिया था, कौन कौन से पार्ट आ जाएंगे? सर्वाइड्रिल एंड वॉल्यूमेट्रिक डाइट में, टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर, सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स क्या होती है सर? भूकंप के तरंग है जो भूकंप से निकलते हैं। तरंगों का कॉन्सेप्ट सबसे पहले कहाँ कैसे प्रतिपादित किया? पीएस जो भी तरंग है उस शब्द को पता है कि कैसे प्रतिपादित किया गया? तो पी तरंगों और एस तरंगों को बॉडी में उपयोग करते हैं, काय तरंग शरीर तरंग पड़ा हुआ है ये सर कहते हैं, उसके पीछे कुछ कारण हुआ। पी तरंग की विशेषता सर, पी वेव्स का जो बिहेव है वो साउंड टाइप है, और ये तीनों माध्यमों में जा सकते प्रवाह कर सकते हैं, गैस, ठोस एंड द्रव। सबसे तेज कहाँ चलेगी? तीनों माध्यम तो जाएंगे, सबसे तेज कहाँ चलेगी? एस तरंगों का जो व्यवहार वो विकास तरंगों की भांति होता है, और सर ये ठोस और गैस में चलेगी, द्रव में नहीं चलेगी। काफी जो स्टाफ है तो मैं 1199 स्कूल है तो
अपने आप में बहुत बड़ी लॉन्ग चैन है कि तो उनको भी एक खुशी होगी कि हाँ कुछ तो अच्छा हुआ है। नीला कॉर्नर किसके लिए क्लास की सॉरी सर नीला कॉर्नर सेकंड एक्टिविटीज किसी भी सड़क या नहर के पास में बसने वाली बस्ती कौन सा प्रतिरूप के अंदर रेखीय प्रतिरूप किसी झील के चारों ओर कोई बस्ती बस्ती है तो वो कौन से प्रतिरूप में आती है वृत्ताकार विकास की अवस्थाएं बताई थी द सिटी ऑफ कल्चर बुक में और इन्होंने छह नगर की अवस्थाएं बताई थी ईयू पॉलिस पॉलिस मेट्रोपॉलिस मेगालोपॉलिस टायरनोपॉलिस एंड नेक्रोपॉलिस राजस्थान में जयपुर बहुत बड़ा नगर है yes, इसकी मूल समस्याएं क्या हैं सर एक तो पॉल्यूशन सबसे ज्यादा है सर अभी अभी एक कंसेप्ट चल रहा है हाल ही में कहीं कहीं पेट्रोल पंप खोले गए बायोडीजल्स के बायो पेट्रोल्स के और सीएनजी का यूज करके भी कम किया जा सकता है इसको जयपुर की स्थापना सर 17 नवंबर 1727 सवाई जयसिंह पर सवाई जयसिंह किस वंश से सवाई जयसिंह किस वंश से कछवा वंश के विषय में कुछ बताएं सर कछवा वंश की जो जयपुर में दुर्गा राजा राय को हराकर जयपुर में इसकी नींव रखी गई थी राजस्थान में काफी माना जाता है कि सांस्कृतिक प्रदृश्य काफी अच्छे दिखते हैं रंग बिरंगा यस सर ये संकल्पित रेस्पेक्ट जो है कि आपको बहुत अच्छा लगता है सांस्कृतिक पहलू राजस्थान के लिए सबसे अच्छा है आपकी नजर में राजस्थान की संस्कृति अपने आप में द्वितीय है और सर मेरी तो हॉबी भी कल्चर को एक्सप्लोर करना है और सर मैं जहाँ तक मानता हूँ राजस्थान की जो अलग अलग पार्ट्स में जो अलग अलग कल्चर देखने को मिलता है वो सर ऐसा ऑल ओवर इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में भी नहीं दिखता अपने आप को समायोजित करना हर त्यौहार को अपने हिसाब से सेलिब्रेट करना अब सर हमारे जैसे महावीर जयंती का मेला है सर बहुत अच्छे से मनाया जाता है हमारा महावीर जयंती और केला देवी का मेला केला देवी का करोली क्या विशेषता है मान्यता है सर केला देवी लालूरी आपके गीत गाए जाते हैं वहाँ पर प्रसिद्ध है बताएंगे क्या गीत संगीत तो नहीं आते सर करोली से ही आपको यस सर करोली करोली का नाम करोली क्यों रखा गया उसके पीछे जैसे जयपुर सवाई जयसिंह रखा गया हो गया उसके पीछे कुछ कहानी है सर करोली की स्थापना गोपाल पाल ने की थी कि केला देवी के नाम पर तो करोली नहीं है राजस्थान की बात अपन कर रहे हैं कल्चर की बात कर रहे हैं क्या आप बता पाएंगे पुरुषों की वेशभूषा क्या है राजस्थान में धोती कुर्ता एंड साफा धोती कुर्ता एंड साफा जो राजस्थान के कल्चर को दिखाता है कुर्ते का एक स्पेशल वर्जन है क्या बोलते हैं उसको चलो अब यहाँ के टीचर बन गए जयपुर में मैं यहाँ आया हूँ घूमने आप पहले क्या दिखाओगे मुझे मैं से सबसे पहले तो आपको जयपुर के बारे में जनरल अवेयरनेस हुआ कि जयपुर की स्थापना इन्होंने की थी जयपुर में ये चीज फेमस है फिर मैं आपका इंटरेस्ट जानने जानूंगा कि आप किस चीज में इंटरेस्ट हो यदि आप हिस्टोरिकल पैलेस जानने के इच्छुक हो तो फिर मैं आपको अल्बर्ट हॉल आमेर एंड जंतर मंतर जंतर मंतर स्थापित हुई सर किया दलता घाटी का नाम सुना यस सर
सरदा घाटी का निर्माण यहाँ के राजाओं ने करवाया था, मौजूद मंदिर है। ठीक है, थोड़ा रिलैक्स रहो, लेकिन जो आप पढ़ रहे हो उसमें गलतियाँ